नमस्कार, स्वागत करता हूँ आप सभी को मेरे YouTube चैनल द कूल टेलीविजन पर। तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कि आज मैं किस बारे में, क्या चीज के बारे में वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल तो ऑलरेडी देख चुका होंगे कि प्रियम शर्मा के बारे में आप लोग को मैं आज बताने जा रहा हूँ। प्रियम शर्मा कौन है, उनको उनका उम्र ओनली 3 साल है। 3 साल के उम्र में वो इतने इंटेलिजेंट कैसे हुए? ठीक है दोस्तों, जो कि हमने उनको बहुत छोटे उम्र से देखा है, इसलिए मैं आप लोग को मेरा एक्सपीरियंस से उनको आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। जो कि उनका बारे में जो मैं जितना जानता हूँ वो हिसाब से मैं आप लोग को आज उसका बारे में बोल रहा हूँ। ठीक है, तो प्रियम शर्मा जो है, प्रियम शर्मा आसाम के धेमाजी जिले के गुगामुख एरिया के मोहरिकेम गांव में रहते हैं। उनका उम्र बस 3 साल है। उनका टैलेंट बहुत है। जैसे कि हम लोगों ने 2-3 साल 5 साल पहले कौटिल्य पंडित बोल के एक बेबी का वीडियो हम लोगों ने बहुत देखा था, न्यूज़ लाइव में भी आया था, बहुत जगह आया था। आज सेम जो प्रियम शर्मा है, आज वो भी जूनियर कौटिल्य पंडित, क्योंकि कौटिल्य पंडित को तो मैं डायरेक्ट इधर इन्वॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि वो तो बहुत टैलेंटेड है, बट अभी मैं इनको उनके साथ कंपेयर करके जूनियर कौटिल्य पंडित बना रहा हूँ, क्योंकि उनका उम्र बस 3 साल है दोस्तों। 3 साल का उम्र में एक छोटा बेबी का माइंड में, वो अभी तक उनका आवाज भी क्लियर नहीं है, आवाज भी क्लियर से नहीं जाता है, फिर भी वो इतना इंटेलिजेंट, उसके लिए मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ, क्योंकि वो मेरे गांव से है। और मेरे एक ब्रदर जो कि मेरा घर सामने का ब्रदर, कुछ रिलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं उनको ब्रदर बोल के बोलता हूँ क्योंकि मेरा गांव के हैं, ब्रदर के सन है, ठीक है, उनके बेटे हैं। तो उनको इतना टैलेंट कैसे आया, कैसे उनको इतना चीज, इतना दिमाग में ये सभी आया, उसका बारे में मैं उनका मम्मी के साथ बात किया था, उनका फादर के साथ बात किया था, तो मुझे बहुत ही अच्छा कमेंट मिला दोस्तों। वो चीज़ मैं आप लोग को शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप भी आपके अपने बच्चों को ऐसे करेंगे तो आज जैसे कि मेरे भाई, मेरे बच्चे जो हमारा बेबी प्रियम शर्मा है टैलेंटेड, वो न्यूज़ लाइफ में आए हैं, वैसे आपके बेबी भी न्यूज़ लाइफ में आएंगे। ये तो बस 1 स्टेप है, आगे बहुत ही जाना है। ठीक है, वैसे ही उनको, उनका जब उम्र 1 साल था, उनका जब जो आवाज़ निकलता है ना बेबी का, बेबी का उम्र आवाज़ उनका 8 महीने से निकलने के लिए स्टार्ट हुआ था। तो जब वो 1 साल के हुए, अभी उनका उम्र है बस 3 साल, अभी जब वो 1 साल के थे तभी उनके मम्मी, उनके पापा और उनके जो दादा दादी है, दादा दादी भी टीचर थे, उन सभी ने मिलके उनको हर दिन हर एक चीज़ का बारे में सिखाने के लिए स्टार्ट कर दिए, कि उनको ऐसा नहीं कि आउट ऑफ माइंड, जैसे कि तुमको कुछ पता नहीं है, नहीं होगा तुमसे, ये सभी कुछ भी नहीं, ओनली पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव ओनली, उनको पॉजिटिव वे में लेके जाने के लिए स्टार्ट कर दिए। वैसे ही हर दिन हर एक चीज़ का बारे में बोलने के लिए स्टार्ट कर दिए। वैसे सिखाते सिखाते जब वो 2 साल के हुए तभी एक वीडियो वायरल हुआ था, वायरल नहीं हुआ था, वीडियो उनका मम्मी ने शूट करके फेसबुक में अपलोड किया था, क्योंकि उनका मम्मी का फेसबुक है अनीता शर्मा बोल के, और उनका जो फादर है उनके फेसबुक में भी अपलोड हुआ था प्रणव शर्मा बोल के। मैं डिस्क्रिप्शन बोर्ड में उनका फेसबुक आईडी डाल देता हूँ, आप लोग चेक कर सकते हो। तो प्रियम शर्मा जब 2 साल के थे तभी उनके मम्मी ने एक वीडियो शूट किया था, वीडियो शूट करके वो वीडियो को यूट्यूब में अपलोड, सॉरी फेसबुक में अपलोड कर दिए थे। फेसबुक में तब इतना रेस्पॉन्स नहीं मिला था, मैं जब वो वीडियो देखा तो उनके मम्मी को मैं बोला, हम लोग भाभी भाभी आपका जो बेबी है वो तो बहुत टैलेंटेड है, क्योंकि फ्यूचर में जाके वो बहुत ही नाम कमाने वाला है, क्या वो लिंक मुझे भेजेंगी क्या, वो वीडियो का जो वीडियो है मुझे भेजेंगी क्या।
मेरे जो फ्रेंड्स मीडिया में हैं, जो मेरे ब्रदर्स लोग हैं, जो कि बड़े बड़े यूट्यूबर लोग हैं, उनको शेयर करूंगा। वो बेबी को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ बोल के उनका मम्मी को मैं बोला। तभी उनका मम्मी ने ठीक है भाई बोल के मेरे को वो वीडियो अपलोड सेंड कर दिया। बाद में जब उनका उम्र 2 साल था, तभी मैं मेरे बहुत सारे मीडिया फ्रेंड्स, बाद में बड़े बड़े यूट्यूबर लोग को वो वीडियो शेयर किया। शेयर करके उनको बोला, सर आप लोग तो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, बड़े न्यूज़ चैनल से हैं, क्या आप उनके वो प्रमोट कर सकते हो क्या? क्योंकि उम्र बस 2 साल है वो बेबी का, वो इतना छोटा उम्र में इतना टैलेंटेड मैं तो लाइफ में फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। क्योंकि बहुत टाइम देखा था पहले भी, क्योंकि ये बच्चा जो है, ये बच्चा का जो टैलेंट है, वो वीडियो, ये वीडियो का डिस्क्रिप्शन बोर्ड में मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, जो ओल्ड वीडियो में सबको शेयर किया था, वो भी अभी तक फेसबुक में मिलेगा आप लोग को, आप चेक कर सकते हो, आप देख सकते हो पहले कितना टैलेंटेड था, अभी और भी टैलेंटेड है। फिर भी अभी जाके वो न्यूज़ में आए हैं, बल्कि अभी उनका साल 3 साल है, ठीक है, उनका जो उम्र है बस 3 साल है। तो तभी कोई भी यूट्यूबर ने या कोई भी न्यूज़ मीडिया ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, उनका सपोर्ट नहीं किया, तब कोई भी चैनल वाले ने उनको वीडियो को पब्लिक नहीं किया, क्योंकि वो बोले इतना छोटा में हम लोग प्रमोट नहीं कर सकते, थोड़ा बड़ा होने तो बाद में करेंगे, ऐसे बोल के छोड़ दिया। तभी मैंने ठीक है बोल के ऐसे ही कर दिया। बाद में जो मेरा भाभी है उनको बोला, भाभी आप और सिखाते रहो, उनके जो मम्मी पापा जो दादा दादी है प्रियम शर्मा के, उनको बहुत डेली बेसिस एक एक चीज सिखाते थे। आज सपोज हम लोग आसाम से हैं, तो हम लोग को सबसे पहले जानकारी लेना है आसाम के बारे में, आसाम के सीएम कौन है, आसाम के होम मिनिस्टर कौन है, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ये सभी जानने के लिए हम लोग को जानना पड़ता है, मतलब जानना जरूरी है। क्योंकि छोटा उम्र में क्या होता है, बच्चों लोग का जो माइंड है, टैलेंट है, वो बहुत ही कम यूज होता है। तो अगर हम लोग वो सभी नए नए चीज अगर हमारे बेबीज को हम लोग टीच करेंगे, तो ही बड़ा होके वो दूसरा चीज माइंड में गलत वो सभी नहीं डालेंगे, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा प्रियम शर्मा का फोटो इधर ही लग रहा है, वही है प्रियम शर्मा। अगर आपको प्रियम शर्मा को प्रमोट करना है, या आपके चैनल में, या आपके आप अगर मीडिया से हो, आपको उनको प्रमोट करना है, आप न्यूज़ में दिखाना है, या फिर आपको आपका यूट्यूब चैनल, आप बड़े यूट्यूबर है, कोई भी होने से भी आप अगर उनको आपका वीडियो में भी दिखाना है, तो आप दिखा सकते हो। उनका मम्मी पापा का डिटेल्स में नीचे या डिस्क्रिप्शन बोर्ड में उनका फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, आप कॉल कर सकते हो उनको। और अगर उनको कुछ गिफ्ट देना चाहते हो, तो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि गिफ्ट के लिए मना नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी दे सकते हो। थैंक यू। और बच्चा लोग को, आप लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, बेबीज को कैसे टैलेंटेड बनाना, वो चीज़ के बारे में मैं थोड़ा उनका मम्मी के साथ डिस्कस किया था, तभी मेरे को थोड़ा नॉलेज आया, जो कि मेरे को ही पता नहीं है आज तक। ऑल ओवर इंडिया के जितना भी स्टेट है, वो सभी के सीएम के नेम, बट वो बेबी को पता है, जितने भी हमारे प्रेसिडेंट है, नॉट ओनली इंडिया, ऐसे ही अमेरिका के कौन है, चाइना के कौन है, नॉर्थ कोरिया के कौन है, साउथ कोरिया के कौन है, नेपाल के कौन है, ये सभी उनको बहुत पता है। आप लोग वीडियो देख सकते हो, मैं लिंक में डाल देता हूँ, जो न्यूज़ लाइव में आज आए थे, वो न्यूज़ लाइव में जो वीडियो अपलोड हुआ है, वो वीडियो फेसबुक में भी वायरल हुआ है, वो वीडियो में आप लोग को लिंक डाल देता हूँ, आप लोग चेक करके देख सकते हो। दोस्तों अगर आप उनको मिलना चाहते हो, तो आप आसाम स्टेट के धेमाजी डिस्ट्रिक्ट के गोगामुख बोल के एक एरिया है, गोगामुख एरिया के मोहरी केम गाँव में जाके मिल सकते हो। दोस्तों वो इतना छोटा उम्र में मैं इतना टैलेंट नहीं देखा था, बट ये बच्चा जो है वो कि फ्यूचर में जाके बहुत ही नाम कमाने वाला है। अगर आपको भी यही लगता है, तो प्लीज़ ये वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। क्योंकि एक बेबी को हम प्रमोट करना कुछ कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट जो भी वीडियो उनका आने वाले हैं, जो भी वीडियो आएंगे, वो सबसे पहले मेरे वीडियो मेरे चैनल पे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप प्रियम शर्मा के फैन हैं,
मैं तो पक्का फैन हूँ क्योंकि मेरा भतीजा है, फिर भी मैं उनका फैन हूँ क्योंकि उनको इतना नॉलेज है जो कि मेरा पास भी नहीं है, उतना उसका पास नॉलेज है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, लव यू।